दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई युवा मल्टीनेशनल आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर आज खेतीबाड़ी कर रहा है तो आपको सुनकर अजीब लग सकता है। वाकई चौंकने की बात है, लेकिन सच ये है, आखिर खेतीबाड़ी के जरिए इस युवक ने आत्मनिर्भरता का रास्ता क्यों चुना और कैसे एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर बना, आइए देखते हैं। अपने खेतों को निहारते ये हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हार्दिक रावत, जो आज ऑर्गेनिक खेती करके काफी खुश हैं। लगभग एक दशक तक आईटी फील्ड में काम कर लेने के बाद हार्दिक का मन कुछ अलग करने का हुआ। वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिससे न केवल अच्छी कमाई हो बल्कि साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे। ऐसे में इनका रुझान ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की ओर गया। आईटी फील्ड के अंदर काफ़ी काम करने के बाद फिर लगा कि अब कुछ नया जो जिसमें एक्चुअली काफ़ी लोगों का भला हो सके और जिसके अंदर एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की नो ज़रूरत हो, उस एरिया को चूज़ किया जाए, तो कहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैंने एग्रीकल्चर को चूज़ किया। लेकिन खेतीबाड़ी की जानकारी ना होने के कारण ये काम काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में इन्हें जब जानकारी मिली निस्पट की तो इन्होंने वहां जाकर इसके बारे में पता किया। निस्पट यानी राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का प्रयास है कि हमारे देश के नौजवानों को आत्मनिर्भरता की राह प्रदान की जाए। हार्दिक रावत ने निस्पट से 4 महीने की ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। कौन कौन सी फसलें लाभदायक हैं, उनकी किस मौसम में और किन किन सावधानियों के साथ खेती करनी है, इस प्रकार सभी तरह का कौशल प्रशिक्षण उन्होंने निस्पट से प्राप्त किया। निस्पट से मिली ट्रेनिंग के बाद इन्होंने एक खेत लीज पर लिया और वहां ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करनी शुरू की। हार्दिक रावत आज अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर निर्भर हो गए हैं। आज ये खुद तो जैविक खेती कर ही रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इसके लिए निस्पट जैसी संस्थाएं उन्हें सहायता प्रदान करती हैं। इसी का उदाहरण है हार्दिक रावत, जिनका आत्मनिर्भर बनने का सपना निस्पट के सहयोग से साकार हुआ है। इसके लिए ये निस्पट का धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।